यो गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम दोबारा भी खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। तो आप जो कि जैसे पता होगा कि हम एक न्यू वर्ल्ड क्रिएट कर रहे हैं, नहीं मतलब ये मेरा सर्वाइवल वर्ल्ड है। तो अब मैंने ये क्रिएट हो रहा है, ये अभी लोडिंग हो रही है इसकी। तो हम देखते हैं कितनी देर में लोडिंग होती है आज। तो देखते हैं, अभी भी नहीं हुई, स्टार्ट हो गया। बस हमारी लोडिंग होना, फिर मैं आपको अपना सर्वाइवल बेस दिखाऊंगा जो कि मैंने फुल्ली सर्वाइवल में बनाया। मैंने उसमें 1% का भी क्रिएटिव का यूज़ नहीं किया भाई, मतलब नहीं किया तो नहीं किया, बिल्कुल सर्वाइवल का यूज़ मैंने बहुत किया। तो भाई सॉरी ब्रो, बहुत बुरा हो गया। ये देखो, सॉरी, ये थोड़ा मतलब फोन हैंग हो गया था, सो इस वजह से ये हो गया। तो अब नहीं होगा बाद में। तो हम यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है गेम, अब बाद में नहीं होगी ये चीज़। तो अगर आप जानना चाहते कि मैंने ये मतलब ऐसी वीडियो कैसे बनाता हूँ, तो सबसे पहले मैं आपको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से वीटा ऐप। वीटा पे जाके आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे जिससे आप ऐसी अच्छी अच्छी और इफ़ेक्टफुल वीडियोस बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, हमारा अभी हट गया था वर्ल्ड, तो हमारा वर्ल्ड दोबारा से स्टार्ट हो रहा है। तो देखते हैं इसमें कितना टाइम लगता है। अभी भी नहीं हुआ, स्टार्ट हो गया मतलब लोडिंग होना। फिर मैं आपको दिखाऊंगा अपना पूरा बेस। ये देखो, ये है सबसे पहले अपना, मतलब यहाँ पे मैंने नेदर की कुछ चीज़ें रखी है और अपने आर्मर्स रखे हैं जो कि है एग्स, जो कि मैंने हटा दिया ऐसे क्योंकि मेरे को पीछे के एंड क्रिस्टल्स दिखाने दे। और नीचे भी दो है, और यहाँ पे है एक मेरा नेदराइट का आर्मर, और इसे मैंने तलवार दी है, और डायमंड वाले को एग्स दिए, स्वॉर्ड दिए नेदराइट वाले को। तो वो भी दोनों को मैंने नेदराइट के टूल्स दिए। तो अब देखो, ये मैंने फुल्ली भाई मतलब हाँ सच में ये मैंने पूरा बेस ट्री पे बनाया। मैंने इतने ट्री ग्रो किए भाई साहब। देखो अभी मेरे पास बहुत सामान बाकी है, चेस्ट में भी एक वो रखा हुआ था, अभी मैं आपको अपनी एंट्रेंस भी दिखाऊंगा। और ये घर ना पूरा बालकनी से घिरा हुआ, पूरा बालकनी से घिरा हुआ है। ये देखो, जहाँ देखो वहाँ बालकनी। ये एक है, मैं सोच रहा हूँ उसे तोड़ दूँ पर नहीं तोड़ सकता भाई, क्योंकि अब मैंने वो बना दिया, फिर अब तोड़ूंगा तो नीचे की पूरी सरफेस खाली हो जाएगी और गिरने के बहुत सारे चांसेस हैं। तो अब चलते हैं ऊपर। ये अब पूरा मतलब क्या कहूँ मैं, ये पूरी सबसे बड़ी बालकनी है, ये जान लो ये सबसे बड़ी बालकनी है, वो भी लेप से बनी हुई मेरे बेस में सबसे बड़ी बालकनी है। और एक बालकनी है वो जो नीचे वाली, जहाँ से अभी हम लोग आए थे ना, वो नेदराइट वाला आर्मर देख के यहाँ से हम डायरेक्ट नीचे कूद सकते हैं, क्योंकि उधर से एक रास्ता था ना, तो वहाँ से आ गया। और यहाँ से हम बेस में हर जगह जहाँ दिख जाए आपको हर जगह जा सकते हैं। ये देखो, जैसे हम लोग इधर वाले पे जाना है, जंप मारी यहाँ पे आकर नीचे आए, अब मेरे को ना मार देंगे ज़ॉम्बीज स्पाइडर्स, मेरे को मार देंगे। देखो मैं कह रहा था ना, मार देंगे ज़ॉम्बी स्पाइडर मेरी डेथ कर देंगे भाई। तो आप 2 मिनट का ब्रेक लो, ठीक है, रिस्पॉन्ड हो गया और मैंने क्रिएटिव लगा लिया। अब जाके मैंने क्रिएटिव का यूज़ किया, वरना मैंने इसमें क्रिएटिव भाई लगाया ही नहीं था, छुआ भी नहीं था क्रिएटिव को, मैं इसमें भूल ही गया था क्रिएटिव होता क्या है, ठीक है ना। तो अगर कोई यहाँ पे आए ना, वह एंट्रेंस ढूंढते थक जाएगा, उसके हाफ हंगर ख़त्म हो जाएगी। ये मैंने अपने सर्वाइवल में देखा है, अपने दोस्त को लेके आए थे, मैंने कहा लो देख ढूंढ, मैंने 1 मिनट में ढूंढ लिया। उसे ढूंढने में उसकी तो पूरी हंगर ख़त्म हो गई। और जब अभी मैं मरा तो मेरा सामान गिरा, तो वो मैं उठा लेता हूँ। फिर आपको तो एंट्रेंस दिखी गई होगी, जहाँ वो कैंडल जली है ना ब्लैक कलर की, उसके पास में मैंने एक स्टेयर लगाई है भाई साहब। और ये मैंने कुछ फ्रॉक्स को वो किया था, फ्रॉक्स के एग रख के फ्रॉक्स आ गए। ये देखो, और यहाँ से ऊपर जाना ना इजी भी नहीं है, बिल्कुल भी इजी नहीं है भाई,
किसी की बस की बात नहीं है ऐसे सही से ऊपर जाना। जो खेल चुका है पहले इसमें वही जा सकता है, वरना कोई जा भी नहीं सकता। और यहाँ से ऐसे कोई गिर भी सकता है ये, क्योंकि मैंने यहाँ से बेलेट की हुई है ना, तो कोई भी सही से चढ़ने वाला है, इसलिए मैं भी क्रिएटिव का यूज़ कर रहा हूँ ऊपर जाने के लिए। इसलिए सो ये देखो हम आ गए यहाँ पे, तो मैं आपको क्या दिखा रहा था, ऊपर वाला बेस दिखा रहा था मेरे को आपको, ऊपर वाला बेस जो ये वाला अभी तक मैंने आपको दिखाया है, ये पूरी बात। हाँ यहाँ से हम लोग उधर वाले बेस पे भी जा सकते हैं, गारंटी है भाई उधर वाले बेस पे भी हम जा सकते हैं। इस वाले पेड़ से उधर वाले बेस पे हम चाहे कैसे भी जाए पर जा सकते हैं, इतना मेरे को पता है। ये लोग यहाँ पे आ गए और यहाँ से मैंने एक बार मेरे पीछे फैंटम बढ़ गया, फिर मैं यहाँ पे घुस नहीं पाया, उसने मेरे को मार दिया है ना। तो अब मैं यहाँ से रास्ता बनाता हूँ, डायरेक्ट नीचे लेंगे। ओ भाई ये कहाँ पे आ गया, अगर मैंने एक भी क्लिक किया तो पूरा मेरा इधर वाला बेस तबाह, कुछ बचेगा नहीं यहाँ पर। इसलिए मैं थोड़ा क्रिएटिव खेल के। तो भाई तो भाई अगर आपको ये वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें, और अगर ऐसी वीडियो चाहिए तो बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर क्लिक करें। तब तक के लिए बाय बाय।